सिंगर बोले सिंधिया नेता नहीं गद्दार हो गए। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ की सभा में कहा एक कोठी के कारण कांग्रेस को धोखा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने मंगलवार को नामांकन फॉर्म भरा। उनके साथ पूर्व सीएम कमलनाथ, मां अलकानाथ और पत्नी प्रियानाथ भी मौजूद रहीं। इससे पहले उन्होंने शिकारपुर में हनुमान मंदिर में दर्शन किए। चुनावी रैली के बाद आयोजित सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा नेता नहीं अब तो सिंधिया गद्दार हो गए हैं। जब मैंने बात की सिंधिया से कि आप क्या चाहते हो, बोले मैं लोकसभा चुनाव हार गया, मुझसे 27 नंबर की कोठी छीन ली जाएगी, मैं कहां रहूंगा। सिंघार ने कहा एक कोठी के कारण आपने कांग्रेस को धोखा दे दिया। झांसी के लोग ग्वालियर के महाराज को आज भी गद्दार मानते हैं। मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई, 50 करोड़ रुपए मंत्री पद का ऑफर आया, लेकिन मैं सच्चा आदिवासी हूँ, कांग्रेस को नहीं छोड़ा। जब बीजेपी सरकार ताली थाली बजा रही थी तब छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। नकुल लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ ने कहा कि नाथ परिवार और छिंदवाड़ा के लोगों का राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें ताली और थाली बजाने का काम दे रही थी तब छिंदवाड़ा पूरे मध्य प्रदेश और देश में एक ऐसा जिला था जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन की कमी नहीं थी। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने सोमवार को कमलनाथ से मुलाकात के बाद नामांकन रैली में शामिल होने और चुनावी रणनीति बनाने की बात कही थी। दीपक सक्सेना नकुलनाथ की नामांकन रैली में दिखाई नहीं दिए, वहीं उनके बड़े बेटे जय सक्सेना नामांकन रैली में दिखाई दिए थे। पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सैयद जाफर ने मंगलवार को ये ट्वीट किया। बता दें कि पूर्व प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना के बेटे भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।